स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मॉरल वैल्यूज भी सिखाते हैं। उन्हें सिखाते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी कायम करने के लिए किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। उन्हें अच्छे और बुरे में फर्क सिखाते हैं, शरीफ और बदमाश में फर्क सिखाते हैं। जाहिर है कि फैसला आप ही करते होंगे कि कौन शरीफ है और कौन बदमाश, कौन अच्छा कौन बुरा। बिल्कुल, हमारा काम है इन बच्चों को सिखाना। तो आप बच्चों का अभी से रोबोट्स बना रहे हैं, अपनी नजरों से उनको दुनिया दिखा रहे हैं। हो सकता है आपकी नजर कमजोर, बच्चे अभी नई नई दुनिया देख रहे हैं, उनको अपनी आंखों से देखने दें। हो सकता है वो आपसे ज्यादा बेहतर फैसला कर पाए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। अगर मेरे बस में हो ना तो मैं इन बच्चों को आप जैसे लोगों से दूर ही रखूं, मगर हमारी प्रिंसिपल शरीफ इंसान है, शायद किसी गुंडे बदमाश के बहकावे में आ गई हूं। इनफ। मैं चुप इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं मजबूर हूं। मैं इस स्कूल की रिस्पेक्ट में चुप हूं। हमें जेब नहीं देता कि यहाँ पे खड़े होकर इस तरह की जाहिलाना गुफ्तगू करें। इस स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को जब आपकी असलियत पता चलेगी ना तो एक मिनट भी आपको यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी। कौन सी असलियत की बात कर रहे हैं आप? जहां तक मैं जानती हूँ, मैं सिर्फ एक ही असलियत को छुपा रही हूँ कि आप जैसे लोग हर जगह पर मौजूद हैं, जो लड़कियों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालना अपना हक समझते हैं। आपने कभी सोचा है अगर लड़कियां ये सर्टिफिकेट लेने से इनकार कर दें तो इसकी दुकान ही बंद हो जाएगी, तब क्या करेंगे आप लोग? सर्टिफिकेट के नाम पर लड़कियों के कंधों पर सवार होकर अपना कद ऊंचा करना छोड़ दें, अपना कैरेक्टर ऊंचा करें।